हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आरएस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है और उसकी एक्सरसाइज 1F उसका क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है ये √5 + √2 / √5 - √2 और बी की वैल्यू है √5 - √2 / √5 + √2। आपको ये प्रूव करना है कि 3a² + 4ab - 3b² ये बराबर है इसके 4 + 56/3 √10। तो ये जो सॉल्यूशन करने के लिए पहले आपको ये कर लेना चाहिए a और b इन दोनों का डेनोमिनेटर रैशनलाइज करके और फिर इसके सॉल्यूशन को करना है, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन तो आपने समझा ही हुआ है कि किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से किया जाता है। ए की वैल्यू है जैसे कि यहाँ पर √5 + √2 √5 - √2। रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, √5 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, √5 + √2 से नीचे भी। क्यों, जब यहाँ पर माइनस का निशान है तो यहाँ पर प्लस का होना चाहिए, जब प्लस का हो तब माइनस का होना चाहिए, अभी माइनस है तो प्लस लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट डूइंग रैशनलाइजेशन ऑफ द डेनोमिनेटर, ठीक है। अब जब ये करेंगे तो क्या होगा, √5 + √2 तो ये बन गया √5 + √2² और डेनोमिनेटर में a - b a + b ये बराबर होता है a² - b² जिसमें a है √5, b है √2 और एक बार यहाँ माइनस का निशान है, एक बार प्लस का निशान है, तो ये होता है a² - b² √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, क्लियर है। और एक आइडेंटिटी ये वाली है, a + b² बराबर होता है a² + b² + 2ab, ये कहाँ से आई, इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर a √5 है, b √2 है, इन दोनों का स्क्वायर, दोनों के जोड़ का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ऊपर होगा √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 × √5 × √2, डेनोमिनेटर में √5 का स्क्वायर 5 √2 का स्क्वायर, रूट हट जाता है, ये आ गया, हमें मिला √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 और 2 × √10 / 5 - 2 = 3, 7 + √10 / 3। इसी तरीके से रैशनलाइजेशन करेंगे इसके अंदर भी और आपको क्या मिलेगा वो देखिए, दूसरे पार्ट के अंदर यस यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं, सारा ऐसे ही होगा। ये चीज़ मिल गई हमें, बी की वैल्यू इस प्रकार से 7 - √10 / 3 आया है, यहाँ पर 7 + √10 / 3। अब हमें क्या करना होगा, मैं इसे नाम दे देता हूँ 1 और इसे नाम दिया 2 और 3a² + 4ab लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ठीक है। 3a² क्वेश्चन में था यहाँ पर 3a² + 4ab - 3b² ये चीज, तो इसको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a की और b की,
ए की वैल्यू है 7 प्लस 2 रूट 10 बाय में 3 का स्क्वायर, ये वाली, और प्लस 4 मल्टीप्लाई ए 7 प्लस 2 रूट 10 बाय में 3 बी, ये वाली 7 माइनस 2 रूट 10 बाय में 3 माइनस 3 बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये है। उसकी पावर 2 हो गया और कारण लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, 1 व 2 से, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 यहाँ a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो ऊपर मिलेगा 7 7 जार 49 प्लस में 2 रूट 10 का स्क्वायर, रूट 10 मल्टीप्लाई 2 रूट 10, 2 2 जा 4, 10 रूट 10 हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा 10 का, रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 10 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिला, तो 2 रूट 10 का स्क्वायर 40 प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ए 7 है बी 2 रूट 10 है बाय में 3 की पावर 2 9, क्योंकि जो स्क्वायर है वो 3 का भी होगा और इसका भी होगा, इसका स्क्वायर किया तो ये आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिला, ठीक है, प्लस 4 बाय 9, ये 9 कहाँ से आया, 3 मल्टीप्लाई 3 9 है तो 4 यहाँ पर है 9 यहाँ पर है, ये आ गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी तो आपको मिलेगा 49 माइनस 2 रूट 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे वो हमने निकाला था क्या, 40 आया था, तो 49 माइनस 40 अपॉन में, तो ये इतना ही है, 9 तो हमने बाहर निकाल ही लिया। अब ये वाली टर्म है ये और सोल्व करनी है, माइनस यही चीज आएगी, बस यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा क्योंकि ए माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ओके क्लियर हो रहे हैं। तो 49 प्लस 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई रूट 10 बाय में 9, ये आ गया। अब इसके लिए क्या करें, अब यहां तक का जो पार्ट है वो तो हमने कर ही लिया, अब आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 3, 49 और 40 को प्लस करें तो 89 मिलता है। अरे ये 3 से ये 9 भी तो कट रहा है, इसको कहाँ काट देते हैं, 3 1 जा 3 3 जार, क्लियर है, और ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और एक यहाँ पर भी 3 था, ये 3 है, ये 3 रह गया था, ये गलती हो जाती ना, अब यहाँ पर भी 3 था तो उस 3 को सोल्व किया, 3 यहाँ पे और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो ये वाला भी कट गया, क्लियर है, या फिर काटते ही नहीं क्योंकि यहाँ पर भी 9 है, फिर हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तब भी हमें दिक्कत आ सकती है, तो ये 9 रहने देता हूँ, मैं काटता नहीं हूँ, इसको वैसे का वैसे ही रखते हैं, एलसीएम लेने में फिर हमें ऊपर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही चीज़ कर लेते हैं, 3 और यह क्या आ गया, 89 आ गया, 2 7 जार 14 2 जार 28 रूट 10 अपॉन में 9 प्लस 4 बाय 9
49 माइनस 40 9 आ गया अपॉन में, तो कुछ नहीं है माइनस, यहाँ 3 था 89 माइनस 2 और आएगा 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, बी में रूट 10 था तो यहाँ 2√10 आएगा, तो इससे भी आपको वही जो यहाँ पर मिला 28√10, बस प्लस की जगह माइनस आएगा तो 28√10 आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और होगा, वो मैंने पीछे कर दिया पेज पर, डिवाइड में 9, सबके डेनोमिनेटर में 9 है तो अब न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, तो क्या होगा 3 इसके साथ पूरे साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें मिलेगा 3 9 जार 89 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 जार 27 72, 3 8 जार 24 24 एंड 2 26, 267, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 3 फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, 84 आया √10 प्लस में 4 9 जार 36 माइनस, जब माइनस है तो निशान पलट जाएगा, ये वाला प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 3 को 89 से मल्टीप्लाई करके जो हमें मिला था वही लिखेंगे 267, ये माइनस का है तो इसकी वजह से ये प्लस का हो जाएगा, और ये 84 √10 आया था इधर, यहाँ पर 84 √10 ही लिखेंगे, क्लियर है, अपॉन में यहाँ पर भी 9 है, इसके नीचे भी 9 था, इसके नीचे भी 9 था, तो टोटल के नीचे मैं 9 किए देता हूँ, देखिए ये 267 माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट गया, 36 बचा है, 84 और 84 दो बार आया है, तो 84 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, 2 4 जार 8 2 8 जार 16 168, तो दोनों में प्लस का निशान है तो ये ऐड हो गया और हमें मिला प्लस का 168√10 अपॉन में 9। हम पास पास पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कि इस पास में पहुंच गए क्या, हमें प्रूव करना था कि ये वैल्यू 4 प्लस 56/3√10 आनी चाहिए, तो इसको अब अलग अलग कर देंगे, 36/9, 36 के नीचे भी 9 आएगा और इसके नीचे भी 9 आएगा, 1 प्लस 6 7 7 प्लस 8 15, तो ये 3 से 15 डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा, 168 भी डिविजिबल है होगा, ये तो है ही, जैसे 3 5 जार 15 बचा 1 1 8 18, 3 6 जार 18, 9 4 जार 36, देखिए हमें मिल चुका है 4 प्लस 56/9√10, तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये, और इसमें हमने ए और बी की वैल्यू रैशनलाइज करके लिखी, सॉल्व किया, इतना कैलकुलेशन करी, कुछ यहाँ पे करी, यहाँ पे मैंने कुछ बताया ना, जैसे एक तो यहाँ पे गलती आ रखी है और एक यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो वो मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया इसके अंदर, ठीक है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद राइट हैंड साइड में हमें ये वैल्यू मिलती है जो कि हमें चाहिए थी, हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर ए की वैल्यू ये हो, बी की वैल्यू ये हो, तो प्रूव करना था कि ये इसके बराबर आएगा, तो इसकी वैल्यू हमने पुट करी सारी टोटल करके कैलकुलेट करके हमें वैल्यू ये मिल जाती है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था।
होप सो सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ध्यान से इसी प्रकार से सॉल्यूशन कीजिएगा। अभी मैं कुछ कह करके आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको दिखा दूंगा। आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कॉल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। तो एक पार्ट हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है ये, और फिर ये वाला। और इसके बाद ये काटना नहीं है क्योंकि हमने आगे काटा ही नहीं इसको, इसको वैसे का वैसा ही लिख दिया था ताकि डेनोमिनेटर में हमारे पास 9 सभी के नीचे आए, नहीं तो बाद में भी हमें करना ही पड़ता। तो फिर बचा हुआ पार्ट ये हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।